परसों हमारा एक बहुत बड़ा आलिम, मेरा उस्ताद और अगर केरला को शमाली हिंद से जोड़ने वाले एम्बेसडर शाहुल हमीद बाकवी मलबारी नव्वर अल्लाहु मरकदहु और हजरत का इंतकाल हो गया। अगर हजरत नहीं रहता शायद हम सब तैयबा गार्डन में ऐसे जमा नहीं होता। शाहुल हमीद बाकवी उन्होंने अपने गांव के मकतब में तालीम हासिल कर रहे थे, अपने एरिया का पूरा लोग अहले सुन्नत वल जमात का बाहर का लोग है, उनका बीच में अपने मकतब में पढ़ते वक्त घर से कुछ झगड़ा हुआ, वो भाग गया तमिलनाडु में होटल में काम किए। अपने बचपन में, अपने 10 उम्र में, 11 उम्र में किसी ने उनको लेके गया बाकियात सालिहात तमिलनाडु के, वहां पे उन्होंने तालीम हासिल की, फिर कुछ काम किया, फिर तालीम हासिल किया, ऐसे उन्होंने बाकवी बना। 1990 में उन्होंने सुल्तानुल उलमा शेख अबू बकर तौवलल्लाहु उम्रहु हजरत से कुछ पैसा लेकर के नॉर्थ इंडिया में आया, बरेली में आए, ताजु शरिया का मुरीद बने, उनके अपने शागिर्द बने, तालीम हासिल किया, उर्दू सीखा, अलीगढ़ में पढ़ा, ऐसे तालीम हासिल करते करते नॉर्थ इंडिया का उलमा को केरला लेके गया, केरला के उलमाओं को नॉर्थ इंडिया लेके आए, ऐसे ब्रिज बनाया, पुल बनाया, ताल्लुक बढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद भी वो सोए नहीं, बल्कि उन्होंने पूरा दुनिया घूमा। उन्होंने एक किताब लिखा, नॉर्थ इंडिया में उन्होंने जहां जहां घूमा उसके बारे में एक किताब लिखा, उनका जो सफर है सफर के बारे में। वो किताब पढ़ के ही हमारा जैसे लोग केरला छोड़ करके दूर दूर आने का कोशिश किया। मदीनतुन्नूर कॉलेज ऑफ इस्लामिक साइंस में पढ़ने का टाइम सबसे पहले हजरत का नॉर्थ इंडियन सफर पढ़ा। वो किताब पढ़ने का ही वजह से हमें वो जज्बा मिला कि नॉर्थ इंडिया में आए कुछ करें। सिर्फ हम नहीं, हमारे जैसे हजारों लोगों को उनका वो मैसेज। फिर उन्होंने केरला में सुन्नी विद्याभ्यास बोर्ड, सुन्नी एजुकेशन बोर्ड का किताब सारे के सारे उर्दू में ट्रांसलेशन करवाया, इस्लामिक एजुकेशन बोर्ड ऑल इंडिया लेवल पे बनाया, दिल्ली में दफ्तर खोला,
बिहार के, आसाम के, बंगाल के, झारखंड के, गुजरात के, कश्मीर के सारे उलमाओं को उसके साथ जोड़ कर रखा। फिर बीच में वो समझा कि हमारा जमीन वो सिर्फ क्यों हिंदुस्तान में ही महदूद रहे, वो अफ्रीका गया, अफ्रीका में जाकर के इदारा कायम किया, तंजानिया में, मलावी में, वहां पे इंस्टीट्यूशन बनाया जामिया नूरिया, वहां पे इस्लामिक एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया के किताब वहां पे ले जाकर के अफ्रीका में इस्लामिक बोर्ड बनाया। फिर वापस आए, वापस आने के बाद भी खाली नहीं रहा, दिल्ली में रहा, कभी कभी गुजरात में रहा, ऐसे हिंदुस्तान के कोने कोने पे रह करके अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा पहुंचाने का, खास करके अपने बच्चों को दीनी तालीम देने का कोशिश उन्होंने बरकरार रखा। कभी कभी कोई जो है हमको फोन करते थे, शाह साहब कहाँ हैं आप जानते हैं, तो मैं उनको यही जवाब देते थे, अगर शाह साहब कहाँ है वो समझने के लिए आप एक काम कीजिए, इस्लामिक एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया के ऑफिस में दिल्ली में फ़ोन कीजिए, कि वहाँ ऑफिस में पूछिए कहाँ पे ज़्यादा किताब जाते हैं, किस तरफ ज़्यादा किताब अभी बिक्री हो रहा, समझिए वहाँ पे शाह साहब है, क्योंकि शाह साहब अपने पेटी में, अपने बैग में हमेशा एक सेट किताब, मरकज का, सादिया का, मादिन का एक एक कॉपी, ब्रोशर हमेशा रखते थे। वो दिखा करके लोगों को आगाह करते थे इस्लामिक एजुकेशन का, किसी से भी मुलाकात करें उनका सबसे पहले यही गुफ्तगू होते हैं कि अपने एरिया में कैसे मकतब चलाएंगे, अपने एरिया में कैसे एसएसएफ का यूनिट बनाएंगे, मरकज के बारे में वो वहाँ पे लोगों को बताते हैं, मरकज वहाँ पे क्या कर पाएंगे, मरकज में आप कैसे क्या कर पाएंगे, वो लोगों को समझाते थे। मैं सबसे पहले आसाम पहुँचा 2009 में या 10 में, उस टाइम में गुवाहाटी से करीमगंज पहुंचने के लिए 16 घंटा बस में सफ़र करना था भाई, बस 16 घंटा सफ़र करना था गुवाहाटी से करीमगंज पहुंचने के लिए, इतना ख़राब रास्ता था। कभी कभी जो है पूरा पहाड़ जो है गिर जाते थे, रोड ब्लॉक होते थे, ऐसे रास्ता में पहुंचा 2010 में करीमगंज या त्रिपुरा के धर्मनगर जैसे इलाकों में। वहां जब पहुंचा मैंने सोचा था कि हम ही जो है सबसे पहले वहां पहुंचने वाले हैं, लेकिन एक एक गांव में जब सफर किया है, गांव का सबाई मकतब में वो लोग हमको दिखा रहे हैं, ये हमारे पास इस्लामिक एजुकेशन बोर्ड का, इस्लामिक एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया का अफिलिएशन सर्टिफिकेट है। मैंने पूछा कब मिला आपको, बता रहा है 90 में मिला, 92 में मिला, 91 में मिला, इतना दूर तक कौन यह पहुंचाया, शाह साहब, शाहुल हमीद बाकल, कोई बताते शाह साहब, कोई बताते मलबारी, माशाअल्लाह, इतना दूर दराज लगभग 30 साल पहले केरला का एक मौलाना अगर पहुंचा है तो हमें यह समझना है उनका अंदर इस्लाम को लेकर का कितना जज्बा था, उनके अंदर अहले सुन्नत वल जमात का
पैगाम पहुंचाने का उनका अंदर जज्बा क्या था, वो जज्बा को हमें लेना है। वो जज्बा हमारा अंदर भी होनी चाहिए, उनके लिए हमें दुआ करना चाहिए। अपने आखिर वक्त तक इस्लामिक एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया का डायरेक्टर रहा। अभी जब फरवरी में जब केरला गया था तो मरकज में, मरकज का उर्दू स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स ट्रेनिंग चल रहा था। दो सेशन में हम गए थे, हजरत को पता चला हम वहां हैं, हजरत हमको फोन किया, हमको बुलाया उनका घर पे, एक दिन का सुबह का खाना वहां, नाश्ता वहां से किया, लगभग 3 घंटा उनके साथ रहा, तीन घंटा उनका एक ही गुफ्तगू मरकज का उर्दू स्टूडेंट्स को लेकर के, सादिया का नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स को लेकर के, उनको किस तरीके से प्लेस किया जाए, उनको किस तरीके से अपने तालीमी तंजीमी कामों में यूटिलाइज किया जाए। मरकज का और इस्लामिक एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया का संदेश पैगाम कैसे और जगह तक कैसे पहुंचाएं, उसके बीच में फारिस्ट का चर्चा आया बीच में उनका साथ, फारिस्ट में हमें किस तरीके से काम करना है। ऐसे अभी भी अफ्रीका में हिंदुस्तान के उलमाओं का जरूरत है, उसको लेकर के खास हमको ये भी बताए थे कि आप तैयबा गार्डन में ऐसे बच्चों को बनाइए जिसका जज्बा है, जिसको अच्छे लैंग्वेज जानते हो, उनको हम अफ्रीका भेजना है, उनको हमें यूरोप भेजना है ताकि वहां पे जाकर के दीन का दावत करे, जहां पे हमको हमारा हाथों में इस्लामिक एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया का हमारा तंजीम का रस हमारा हाथ में पकड़ाया है, उसको हमें मुकम्मल करना है। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।